दिस वीडियो इज फॉर दोज हु वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन एग्रीकल्चर साइंसेज इधर इन मास्टर्स प्रोग्राम और इन PhD प्रोग्राम. द बेस्ट पार्ट इज दैट टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 148 एंड द यूनिवर्सिटी इज केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ द वेबसाइट केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड PG एंड PhD बोथ एप्लीकेशंस एडमिशंस आर ओपन राइट नाउ. द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन इज 7th of October. सो नोटिफिकेशन भी आप देख लो और उसके बाद जो मेन प्रॉस्पेक्टस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो PG कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये आपको मिलेंगे PG कोर्सेज. देन PhD कोर्सेज अगर आप जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा 1000 rupees इन केस फॉर द PG एडमिशन एंड 1500 rupees फॉर द PhD एडमिशन फॉर जनरल कैटेगरीज एंड दिस इज 500 फॉर 750 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट. सो आपको फॉर्म भरना है. फॉर्म भरने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट पे जाना है और आपको फीस सबमिट करनी है. दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर एडमिशन. नाउ मूव ऑन टू द प्रॉस्पेक्टस विच इज़ अ वेरी डिटेल्ड प्रॉस्पेक्टस. सो आई लेट यू नो द मेन थिंग्स. ये आपके PG के कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके बारे में इन्होंने डिटेल दे रखी है कहाँ पे हैं. एंड दीज आर द मास्टर्स कोर्सेज. तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ. तो दीज आर द डॉक्टरेट कोर्सेज जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 17 एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, टोटल 128 सीट्स आर देयर इंक्लूडिंग जनरल एंड कैटेगरीज. नाउ फॉरेस्ट्री के अंदर भी 10 सीट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर भी 10 सीट हैं. तो आप एडमिशन अपने अकॉर्डिंग लेंगे. एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इज दैट कि यू मस्ट हैव एन इंडियन सिटीजन और उसके बाद आपके मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. तो ये जो है दैट इज़ फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम. एंड हम आते हैं PhD प्रोग्राम में. आपका मिनिमम जो CGPA दैट इज़ द ग्रेड, द PG 7 और PG 60%, मतलब मास्टर्स में आपके इतने परसेंट होने चाहिए. ये देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर में लेना चाह रहे हैं तो मास्टर्स प्लस या फिर 4 ईयर का PUG प्रोग्राम. तो सिमिलरली सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं. कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाना है, फीस सबमिट करना है और उसके बाद अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है. सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है. वैलिड ICAR स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है या फिर गेट स्कोर कार्ड इन केस ऑफ MTech प्रोग्राम्स. तो MTech प्रोग्राम में गेट, तो ICAR स्कोर कार्ड आपके पास डेफिनेटली होगा बिकॉज हर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के पास ये सारी चीज़ें होती हैं. The details of the published paper should be furnished as original. अब देखिए, ये application enclosures हैं. अगर आपके पास कुछ भी डिटेल है, नो ऑब्जेक्शन है, ये सब कुछ आपको भरना पड़ेगा. सेलेक्शन की बात करें, अगर हम PhD पे आ जाएं तो आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद मे बी आपका एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट हो फॉर कम्युनिटी साइंस और बाकी के लिए आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा. एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर बनेगा, पब्लिकेशन होगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा. इसीलिए बोलते हैं कि पब्लिकेशन हमेशा करते रहो. टेस्ट कंडक्ट हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट का और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा. ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर कैरी करने हैं. फीस इज़ वेरी नॉमिनल और जो लास्ट डेट है आपने देख ली. सो प्लीज़ बी केयरफुल अगर इस फॉर्म को आप फिल करना चाह रहे हैं. सो एक्टिव हो जाइए, शेयर कर दीजिए सारे एग्रीकल्चर वालों को बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. सी PhD प्रोग्राम की जो फीस है दैट इज़ ओनली 18,000 पर ईयर. सो फीस भी कम है और आपको जो एटमॉस्फेयर मिलेगा एग्रीकल्चर का, दिस इज़ वेरी गुड इन दिस यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द PhD एंड PG एडमिशन इन केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, हिट द लाइक बटन. बाय बाय, टेक केयर.